मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्षितिज का पार्ट एक दो बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित था वो पढ़ा अभी हमने। और उम्मीद है, आप आशा करती हूँ कि आप लोगों ने प्रश्नोत्तर किए होंगे उसके होमवर्क में। क्षितिज के दो खंड हैं, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। अभी तक हमने गद्य खंड का पार्ट एक पढ़ा है, दो बैलों की कथा, और अब आज हम काव्य खंड का पार्ट 9 कबीर, कबीर की साख्या पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, कबीर जो थे उनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां यानी कि कही हुई बातें प्रचलित हैं। कोई एक मत नहीं है, क्योंकि काफी समय पहले उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो लोगों को ठीक से पता नहीं है। और माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ माना जाता है। और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ माना जाता है। कि उनका जन्म तो कब हुआ माना जाता है, 1398 में, और उनकी मृत्यु कब मानी जाती है, 1518 में। जन्म तो उनका हुआ था काशी में और देहांत उनका हुआ था मगहर। इनके जो प्रमुख लेख थे वो लेख था कबीर ग्रंथावली। उसी में इन्होंने क्या है, साखी, सबद, ये सारी चीजें लिखी। साखी क्या है बच्चों, देखो कि साखी होती है जैसे देखी हुई चीज को वर्णित करना, वर्णन करना। साखी का मतलब था साक्षी, यानी कि सामने घटित घटना को। जब तो क्योंकि कबीर जी साधु सन्यासी की तरह रहते थे, इधर उधर जगह जगह जाते थे, तो उनको मतलब हर जगह जाते थे, हर जगह की भाषा उन्होंने सीखी, हर जगह को उन्होंने देखा। समाज में व्याप्त बुराइयों का उन्होंने खंडन किया, समाज में व्याप्त जो भी उन्होंने गलत देखा उसके बारे में उन्होंने अपने दोहों में, साखियों में, सबद में उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे उन्हीं के द्वारा लिखित साखियाँ हैं। और इन साखियों में जो कबीर जी की भाषा है वो कौन सी मानी जाती है, सदुक्कड़ी। तो उन्होंने इन साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है, जिसमें अनेक भाषाओं का समावेश होता है। जैसे कि इन्होंने, कबीर जी ने मुख्यतः राजस्थानी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, ऐसे अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। तो सभी भाषाओं का समावेश होकर यहाँ पे कबीर जी की भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। जो पाठ परिचय है वो देखिए कि यहाँ पे संकलित साखियों में प्रेम का महत्व दर्शाया है कबीर जी ने, कि संत के लक्षण बताए हैं उन्होंने, ज्ञान की महिमा बताई है उन्होंने, बाहरी आडंबरों का विरोध करा है उन्होंने, कि जो बाहरी दिखावा होता है भगवान की, ईश्वर की पूजा, हम माला पहनते हैं, तिलक छापे करते हैं और बैठ जाते हैं हवन वगैरह करने, तो वो सब बाहरी आडंबर बताए हैं कबीर ने। कहा है कि जब तक हम मन से ईश्वर को याद नहीं करते, ईश्वर हमें नहीं मिलता। और इसी तरह से पहले शब्द में बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए अपने ही अंदर ईश्वर की व्याप्ति बताई है, कि हमारे ही अंदर ईश्वर का समावेश है, हमें बाहरी आडंबर ना करके अपने अंदर ही ईश्वर को खोजना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं कबीर जी द्वारा लिखित साखियां। साखियों का जो पहला दोहा है वो इस प्रकार है कि देखिए आप, मैं बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने, और इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ मैं बताऊंगी, और आप इनको अगर हो सके तो आप अपनी बुक खोलेंगे, शब्दों को रेखांकित करते हुए उन्हीं के पास में पेंसिल से अर्थ लिख लेंगे, और अगर बुक नहीं है तो एक कॉपी लेकर, और जैसे जैसे मैं शब्द बोलूंगी उन शब्दों के अर्थ आप साथ में ही लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनथ न जही। अब यहाँ पे आप देखिए कि मानसरोवर का यहाँ पे कवि ने अर्थ लिया है मनुष्य का मन रूपी सरोवर। सुभर यानी कि अच्छी तरह से भरा हुआ, सुभर मीन्स अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा यहाँ पे मनुष्य ने जीवात्मा के लिए कहा है, मनुष्य जो है हम जीवात्मा, तो यहाँ पे हंसा का मतलब है जीवात्मा या मनुष्य। और केली मीन्स क्रीड़ा, क्रीड़ा करना, क्रीड़ा मीन्स खेल कूद करना, ठीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यहाँ पे क्या है,
मोती रूपी फल, मोती जो होते हैं जो कि मानसरोवर में पाए जाते हैं वो मोती, ठीक है। मुक्ता चुगे, मुक्ता यहाँ पे मुक्ता का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति पाना है ना, इस संसार से मुक्ति पाना। कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए, अनंत का मतलब है दूसरी जगह पर जाना। तो अब उसमें क्या है कि यहाँ पे कभी जो कबीर जी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य का मन रूपी सरोवर है, जो मन है वो पूरी तरह से ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है और हमेशा वो मुक्ति पाने के लिए ईश्वर भक्ति में ही लीन रहना चाहता है और कहीं जाने का उसका मन नहीं करता। जिस तरह से हंस के माध्यम से कबीर जी ने समझाया है कि जब मानसरोवर पूरी तरह से जल से भरा हुआ रहता है और उसमें हंस घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं और उसमें जो मोती हैं उन मोती को चुगते रहते हैं और जब उनको मोती वही चुगने के लिए मिल जाते हैं तो फिर उन्हें कहीं भी और जाने का मन नहीं करता। उसी प्रकार से मनुष्य के जब मन, मनुष्य का जब मन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति से भरा हुआ रहता है, ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, तो फिर वो उस भक्ति से ही मुक्ति पाना चाहता है, ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करता है और वो चाहता है। और जब पूरी तरह से वो भक्ति में लीन रहता है तो अब फिर उसका मन कहीं दूसरी जगह पर जाने को नहीं करता है। तो ये हमारा पहला दोहा पूरा हुआ है। अब हम दूसरे दोहे को देखेंगे। दूसरा दोहा देखिए क्या है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अब देखिए यहाँ पे जो कबीर जी है उन्होंने कहा है कि अब शब्दार्थ देखिए पहले तो आप रेखांकित शब्दों के कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, तो प्रेमी का मतलब यहाँ पे है ईश्वर से और मैं का मतलब यहाँ पे मैं नहीं है, मैं का मतलब है अहंकार, जो हमारे अंदर अहंकार होता है उसके लिए यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी जिसके अंदर अहंकार नहीं है और एक प्रेमी ईश्वर, और सब विष, विष मैंने जहर। तो यहाँ पे कबीर जी ने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि अहंकारी व्यक्ति अगर ईश्वर को ढूंढने निकलता है तो उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर अहंकार भरा हुआ होता है और अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं होता। और जो अहंकार से अहंकार से हटकर होता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता है, अगर ऐसा व्यक्ति होता है जो सहज सीधे और सरल स्वभाव का होता है, भोला होता है, ऐसा जो सबका हमेशा परोपकार चाहता है, सबका सुख चाहता है, सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो अगर मन से ईश्वर को ढूंढने निकलता है या ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो वो अवश्य ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जब उसको ईश्वर यानी ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसके अंदर के सारे विष यानी बुराइयां, विष यानी यहाँ पर क्या है बुराइयां, कि अंदर की जितनी भी उसकी बुराइयां हैं वो सब बुराइयां निकल कर उसके अंदर अच्छाइयों का समावेश हो जाता है। सब विष अमृत होए यानी कि उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो निकल कर उसके अंदर अच्छाइयों का समावेश हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा दोहा पूरा हुआ। अब हम तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। तीसरा दोहा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को ये सलाह दी है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप हस्ती, यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ आपको रेखांकित शब्दों के अर्थ। हस्ती का अर्थ है यहाँ पर हाथी और सहज का मतलब है यहाँ पर सरल, दुलीचा का मतलब है यहाँ पर कालीन, ठीक है, डारी मीन्स डालकर और स्वान मीन्स कुत्ता और भूकन यानी कि भौंकने दो। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे कबीर जी ये कहना चाहते हैं
व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए मीन्स व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। कि यानी कि सहज साधना रूपी गलीचा मीन्स कि उसे सीधे सच्चे सरल स्वभाव से अपना ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखंडे जग मारी, कि व्यक्ति को मनुष्य को अपना जो ज्ञान है उसे सहज रूप से सरल रूप से प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये संसार तो कुत्ते के समान है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एक दिन ये खुद ही झक मार कर चुप हो जाएगा। यानी कि जो आप पर भौंकते हैं ऐसे लोगों को अनदेखा करते हुए हमें आगे चलते रहना चाहिए और एक दिन वे स्वयं ही झक मार के अपने आप ही चुप हो जाएंगे।